कृषि क्षेत्र में लाल चावल की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लाल चावल सेहत के लिए बेहतर माने जाते हैं, लेकिन लाल चावल उत्पादकों को मार्केटिंग की समस्या पेश आ रही है। मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना के तहत कृषि विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों के चलते किसानों को लाल चावल के उत्पाद के अच्छे दाम मिल सकते हैं। इसके लिए योजना के तहत किसानों को फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान उत्पादक संगठनों का गठन करना होगा। कोरोना काल की बात करें तो जैसे ही विशेषज्ञों ने इसके गुणों के बारे में जानकारी दी तो लाल चावल खरीदने के लिए लोगों की होड़ सी लग गई। कोरोना काल में कई लोगों ने खेती की ओर रुख किया, ऐसे में जिन्हें लाल चावल के गुणों का ज्ञान था ऐसे किसानों ने लाल धान की खेती करके लाल चावलों को ऑनलाइन भी बेचा। वहीं कई ऐसे उत्पादक हैं जिनके पास क्विंटल के हिसाब से लाल चावल की पैदावार है लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है। अब मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना के तहत ऐसे किसानों को राहत प्रदान करने की बात हो रही है। विशेषज्ञों की माने तो लाल चावल सेहत के लिए बेहतर है तथा इसमें कई रोगों से लड़ने की भी क्षमता है। ऐसे में लोगों में लाल चावल के प्रति रुझान तो बढ़ा है लेकिन किसानों के उत्पाद के मार्केटिंग की उचित व्यवस्था नहीं है। कृषि विभाग की माने तो मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना के तहत फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने से किसानों की फसलें मार्केटिंग संबंधित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि विभाग के उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जीत सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना के अंतर्गत जगह जगह कृषि उत्पादक संगठन बनाने की बात कही गई है, जिसके माध्यम से किसानों को विशेष फसल की प्रोडक्शन व उसकी मार्केटिंग से संबंधित क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का निवारण करने के लिए कृषि उत्पादक संगठन बनाने को कहा गया है। योजना के तहत सरकार की ओर से 30% आर्थिक अनुदान देने, जिसमें अधिकतम 6 लाख रुपए तक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। कृषि विभाग का प्रयास है कि जहां भी लाल धान की खेती की जा रही है वहां पर कृषि उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा। जिला कांगड़ा में धर्मशाला ब्लॉक के अंतर्गत कृषि उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। योजना के तहत भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को मार्केटिंग की समस्या न आए और उचित दाम मिल सके। लाल धान में स्वास्थ्य संबंधित विशेष गुण रहते हैं जिसके चलते इसके प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कृषि विभाग की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे संभावनाएं जताई जा रही है कि लाल धान उत्पादकों को मार्केटिंग की समस्याओं से दो चार न होना पड़े। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सरकार ने एक मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना नाम की एक स्कीम चलाई है और उसमें ये कहा गया था कि हम जगह जगह जो हैं इस तरह के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जहां उनको किसी फसल विशेष की, चाहे प्रोडक्शन से संबंधित या उसके मार्केटिंग के संबंधित, क्या समस्याएं आ रही हैं और उस समस्या का हम अनावरण कर सकें, तो उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कहा गया था, जिसमें ये प्रावधान रहता है कि सरकार जो है लगभग 30% के इर्द गिर्द उसमें अनुदान देती है और अधिकतम 6 लाख। तो उस तरह से जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है लाल धान की जो खेती की जा रही है वहाँ पर जो इस तरह के फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो हम गठन करें। उसी तरह हमारा जिला कांगड़ा की बात करें तो एक जो है वो धर्मशाला विकास खंड के अंतर्गत जो है वो इस तरह की FPO का गठन किया गया है और हम आने वाले समय में देखते हैं कि इस तरह की समस्या ना हो और किसानों को उसका उचित दाम मिल सके, क्योंकि इस लाल धान में जो है एक हमारा स्वास्थ्य संबंधित जो अच्छे गुण रहते हैं तो इसकी तरफ जो है वो थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि हम उसमें कामयाब हो पाए। न्यूज डेस्क N1 लाइव।